रहीम, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल मैं जॉन फॉर यू। आज की वीडियो में मैं आपके साथ MTH 101 कैलकुलस एंड एनालिटिकल जियोमेट्री की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगी, जिसके सेक्शन इंचार्ज हैं असमत बतूल। ठीक है मैम, असमत बतूल की असाइनमेंट का सलूशन शेयर करूंगी। ठीक है, इसके अलावा मैंने काफ़ी असाइनमेंट के सलूशन चैनल पर अपलोड किए हैं, MTH 101 के, 201 के, 100 के, उसके अलावा भी काफ़ी सब्जेक्ट के मैं इंशाअल्लाह करूँगी। ठीक है, तो आपने इसको देख लेना है। ठीक है, इस तरीके से आपने असाइनमेंट को बनाना है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 1 में आपको ये चीज़ गिवन थी, ठीक है, इक्वेशन, और आपको कहा गया था कि आप सेंटर और रेडियस फाइंड आउट करें। अब देखिए, सेंटर और रेडियस के लिए आपको सर्कल की जनरल इक्वेशन पता होनी चाहिए। ठीक है, तो आपके पास जनरल इक्वेशन होती है एक्स माइनस एक्स जीरो का स्केयर प्लस वाई माइनस वाई जीरो का स्केयर इज इक्वल टू आर का स्केयर। अब यहाँ पे इश्यू क्या है कि हमारे पास एक्स स्केयर एक्स है, वाई स्केयर वाई है। ठीक है, हमारे पास इस तरह से वोल स्केयर नहीं है, तो हमने इसको बनाना है। तो अगर हमने नोटिस किया कि यहाँ पे एक्स स्केयर एक्स था, यहाँ पे वाई स्केयर वाई था, तो हम ऐसा क्या करें कि ये हमारे पास, ठीक है, इस तरह की फॉर्म बन जाए। तो इसके लिए हमने किया कंपेरेटिंग स्केयर मैथड को यूज़। ठीक है, सबसे पहले तो हमने यहाँ पर डिवाइड किया 9 से, ठीक है, ताकि 9 यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से 9 काट जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस टू एक्स प्लस वाई स्केयर प्लस फोर वाई माइनस इलेवन इज इक्वल टू ज़ीरो। ठीक है, नेक्स्ट क्या हुआ कि ये हमारे पास एक्स स्केयर, ये जो चीज़ थी यहाँ पे, ये इसको हमने इलाका लिया, एक्स वाली को, वाई वाली को इलाका लिया, और कॉन्स्टेंट नंबर को हमने इलाका लिया। अब हमारे पास ये देखें, एक्स स्केयर किसका स्केयर है, एक्स का स्केयर है, और टू एक्स है, इनकी यहाँ पे 1 होना चाहिए। ठीक है, टू एक्स और 1, तो हमारे पास अगर हम यहाँ पे 1 लें तो हमारे पास ये कंप्लीट स्केयर बनता है एक्स प्लस 1 का होल स्केयर। तो हमने लेट यहाँ पे किया कि हमारे पास प्लस 1 है, तो प्लस 1 करेंगे तो मैथ का रूल है माइनस 1 भी ज़रूर करेंगे। ठीक है, सेम यहाँ पे हमें 4 चाहिए था क्योंकि 2 का स्केयर होता है। ठीक है, 2 का स्केयर आएगा तो हमारे पास 2 2 4 वाई हो जाएगा। ठीक है, तो हमने 4 लेट किया प्लस, तो हमारे पास माइनस 1 यहाँ पर आएगा ज़रूर। ठीक है, मैथ का रूल है। अब यहाँ पर देखिए, हमने यहाँ पर आपने लिखना था कि वी विल सॉल्व इट बाई यूजिंग कंप्लीटिंग स्केयर मेथड, यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है। ठीक है, आप लिख लेना। अच्छा, ये हमारे पास होल स्केयर आ गया, एक्स प्लस 1 का होल स्केयर, ये वाई 1 का, वाई प्लस 2 का होल स्केयर। अब बाकी यहाँ से 1 बच गया और यहाँ से 4 बच गया, तो ये हमारे पास माइनस वाले यहाँ पे आ गए माइनस 11 के साथ, ये तीनों सॉल्व आउट हो गए, माइनस 16 आ गया और दोनों एज इट इज़ स्केयर में आ गए। अब हमने ये इक्वेशन बना ली जो कि हमारे पास इक्वेशन होनी चाहिए थी। अब हमने इसकी जनरल इक्वेशन को लिखा, उसको कंपेयर किया, ये हमारे पास एक्स स्केयर की जगह पर हमारे पास प्लस 1 है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस 1 और वाई ज़ीरो की जगह पे 2 आ जाएगा। ठीक है, और आर स्केयर हमारे पास 16 आ जाएगा, और जब हम स्केयर रूट को काटेंगे तो हमारे पास आर इज इक्वल टू 16 होता है हमारे पास 4 का स्केयर, स्केयर स्केयर रूट से कैंसिल हो जाएगा, आप इसको लेंथी भी बना सकते हो। ठीक है, तो आर स्केयर हमारे पास 16 आ जाएगा और आर हमारे पास आर वोट होकर 4 आ जाएगा, या प्लस माइनस 4 भी लिख सकते हो। ठीक है, अब हमारे पास ये आ गया। अब सेंटर क्या होता है, एक्स जीरो कॉमा वाई ज़ीरो, ये हमारे पास सेंटर होता है। तो हमारे पास एक्स जीरो क्या आया था, माइनस 1 और माइनस 2 यहाँ पे लिख लिया। ठीक है, सेम रेडियस को भी यहाँ पे प्लस माइनस लिख लिया। ठीक है, यहाँ पे दो एक ही लाइन के अंदर कभी भी दो इक्वल नहीं आते। ठीक है, इसको आपने करेक्ट कर लेना, यहाँ पे इम्प्लाइज सिंबल होना चाहिए था। अच्छा, ये बनानी कैसी है, इस तरह से एग्जैक्ट स्टूडेंट को बनाना ही नहीं आ रही होती। ठीक है, तो वो उल्टे सीधे वर्ड लिख रहे होते हैं, टू ऊपर जा रहा होता है, तो इसके लिए आपने ये वाला मैट टाइप यूज़ करना है। ठीक है, यही मैट टाइप यूज़ करना है, क्योंकि आपके पेपर में जो सेंटर में आप जाओगे पेपर देने, ये वाला मैट टाइप यूज़ होता है। आप लेटेस्ट वर्जन यूज़ कर रहे हो तो टाइम वेस्ट कर रहे हो। ठीक है, इस पे यूज़ किया करो ताकि आपको पेपर देने में भी कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो। ठीक है, इसको यूज़ कैसे करते हैं प्रॉपर, मैंने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर लूँगी, वहाँ से आप देख लेना। ठीक है, अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 में ये चीज़ आपको गिवन थी, आपने लिमिट फाइंड आउट करनी थी। अब यहाँ पर देखें, इसको बहुत देखा गया कि इसको कैसे सॉल्व आउट किया जाए। ठीक है, और ना तो इसमें कोई चीज़ कॉमन आ रही थी, ना कॉमन फैक्टर बन रहे थे, ना इसकी देखें फॉर्म थी 1 2 3 4 5 टर्म्स थी इस नीचे। ठीक है, ऊपर आपके पास 4 टर्म्स थी। ठीक है, ना ही टर्म्स बैलेंस थी, तो और यहाँ पे पावर 8 थी, तो हमें समझ नहीं आ रही हमने कैसे सॉल्व आउट करना है। तो हमने क्या किया, इसको जी की पावर 8 को डिनोमिनेटर और डिनोमिनेटर, यानी कि नीचे वाले को और ऊपर वाले को हमने डिवाइड किया जी की पावर 8 से। ठीक है, इस तरीके से किया। अब हमने जब ये कर लिया तो हमारे पास ये चीज़ सॉल्व आउट करके आ गई। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट को अप्लाई करना है, तो 1 बाय जी, जहाँ पे भी जी है वहाँ पे इन्फिनिटी आ जाएगा, तो यहाँ पे सारे नंबर के नीचे डिवाइड है,
और डिवाइड के नीचे जी है, तो हमारे पास सब नंबर के नीचे इन्फिनिटी आ जाएगा। वन बाय हमारे पास कोई भी गिनती का नंबर हो, ठीक है, वन बाय इन्फिनिटी हो, टू बाय इन्फिनिटी हो, नीचे इन्फिनिटी हो, तो आंसर हमेशा हमें ज़ीरो मिलता है। ठीक है, तो यहाँ पे सब नंबर के अंदर, ठीक है, लिमिट अप्लाई की इन्फिनिटी, तो ज़ीरो 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 आ गया था। ठीक है, ज़ीरो बाय वन आ जाएगा, और ज़ीरो बाय वन आपके पास ज़ीरो ही होता है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास इसका आंसर ज़ीरो आ जाएगा। ठीक है, ये है हमारे पास MTH 101 के असाइनमेंट का सोल्यूशन। अगर आपको इसके शॉर्ट लेक्चर चाहिए, या आपने इसका व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना है, या आपने LMS हैंडल करवानी है, या इस तरह से एग्जैक्ट किसी भी सेक्शन की असाइनमेंट बनवानी है बिल्कुल इस तरह से लिखी हुई, या क्विज़ करवाना है, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। ऑनलाइन क्लासेस लेनी है तब भी कांटेक्ट कर सकते हो। बाकी दुआ में याद रखें, वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।